मातरम मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद सांसद जी। पहले मैं चाहूंगा कि जो मेरा यहाँ स्वागत हुआ वो मेरा नहीं हुआ, एक ग्रुप है जो गुजरात का है, उसमें हमारे खेल मंत्रालय के नौजवान हैं और विवेकानंद यूथ क्लब की। मैं चाहूंगा कि वो खड़े हो जाए और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि उनके सम्मान में ताली बजाइए। पहले वो ग्रुप खड़ा होगा तो गुजरात का। मैंने ये ताली इसलिए बजवाई है, ये वो लोग हैं जो साबरमती से चले हैं और डांडी तक की यात्रा करेंगे, इसलिए मैंने उनके सम्मान में ये तालियां बजवाई हैं। 14 राज्य के लोग हैं, वो भी खड़े हो जाएं और मैं चाहूंगा कि इनका भी आप तालियां बजाकर स्वागत करें। मंच पर उपस्थित संसद में मेरे साथी और आपके नेता और जो जमीन से जुड़े हुए हैं, सामान्य देखो भाई, आपके विधायक और आपके नेता सामान्य अर्जुन सिंह जी, जिले के कलेक्टर, जिले के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप जो बात कह रहे हैं कि आपका सौभाग्य है, ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है कि इस धरती को नमन करने का हम सबको मौका मिला। मैंने कल अपने भाषण में कहा था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं कि आजादी का 75 वर्ष पूरा होगा 15 अगस्त 2022 को। 75 सप्ताह पहले ये महोत्सव शुरू हुआ और उन 75 सप्ताह में 25 दिन ये गुजरात के सपूत उस बकाल को लेकर लगातार चलेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सौभाग्य कितना है। आप कल्पना करिए हम कितने भाग्यशाली हैं। 400 साल संघर्ष चला, लाखों लोग बलिदान हुए, राम जन्मभूमि का मंदिर हम अपनी आंख से बनते देखेंगे, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। ये 75 वर्ष जब हो रहे हैं, कुछ लोगों को आपत्ति होती है, मैं उनसे कहना चाहता हूं हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है। 91 वर्ष पहले इसी धरती पर महात्मा गांधी आए थे, उन्होंने प्रार्थना भी की, उन्होंने विश्राम भी किया। उस समय में क्या कहा था, उस समय उन्होंने पत्र लिखा था अंग्रेज हुकूमत को, या आपने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी संस्कृति छीन ली, हमारी पहचान छीन ली, हमारा स्वाभिमान खत्म करने की कोशिश कर ली, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। और उन्हें कहा था कि मैं चेतावनी नहीं दे रहा, उन्हें साफ शब्दों में कहा था कि ये नाफरमानी का ऐलान है और इस देश में स्वाभिमान के साथ में खिलवाड़ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भाग्यशाली हैं, इस धरती पुण्य है, पवित्र भूमि है, तो उस समय की उस क्रांति ने आपके यहां रात्रि विश्राम किया और आपकी सेवाएं ली। मैंने कहा था कि हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हम गांधी के पदचिन्हों पर चल सके, लेकिन भाग्यशाली जरूर हैं कि जिस रास्ते के पर वो चले उन पदचिन्हों को हम लोग नमन करने के लिए निकले हैं, हम भाग्यशाली हैं। ये अधिकार हमारा है, उसलिए हमें कुछ सीख कर जाना होगा। 91 वर्ष पहले बात कुछ और थी, 91 वर्ष बाद बात कुछ और है। तब भी इसी माटी से पैदा हुए महात्मा गांधी थे, अब भी इसी माटी में पैदा हुए देश के प्रधानमंत्री हैं, फर्क है। हम नौजवान को संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन 2 वर्षों में वर्तमान किसी नौजवान ने, हमने भी नहीं देखा दांडी यात्रा कैसी, फोटो देखे हमने, लेकिन वो उनकी स्मृति से चला ना जाए। वर्तमान की पीढ़ी को अतीत का ज्ञान होना चाहिए, आजादी के आंदोलन के कष्ट, उसकी कसक, उस गुलामी का दर्द
वर्तमान की पीढ़ी के जहन में होना चाहिए। देश आजाद हो गया, 75 वर्ष की हमने यात्रा पूरी की है, निश्चित रूप से हम आगे गए हैं, हम पीछे नहीं गए। कुछ पाया होगा, कहीं कुछ खो गया हो, कुछ छूट गया हो, उसको फिर से साथ में लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047, ये बात गुजराती में सांसद जी ने भी कही है, 2047 जब देश के सामने हो, जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, उस समय हम छोटी मोटी बात नहीं करेंगे। हमारे सामने ये चित्र होना चाहिए कि उस समय हमारी स्थिति याचक की नहीं होगी, दाता की होगी। ये प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया जब तड़प रही थी, दुनिया जब उत्तर ढूंढ रही थी कि समस्या का समाधान क्या मिलेगा, तो दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ भारत पर रही। ताकतवर अमेरिका हो या जरूरतमंद ब्राजील, हम जरूरतमंद देश है, 130 करोड़ की आबादी है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं 78वें नंबर पर है दुनिया में। नंबर एक पर कौन है? इटली। नंबर दो पर कौन है? अमेरिका। कोरोना ने क्या हालत की है, ये दुनिया गवाह है इस बात के लिए। जरूरतमंद होने के बावजूद भी हमने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां दी हैं। देश को जरूरत है, उसके बाद हमने दी है। ये है हमारी सांस्कृतिक ताकत, ये है हमारा परोपकार और त्याग का भाव। विवेकानंद जी से पूछा गया था कि भारत की पहचान क्या है, तो ने कहा था सेवा और त्याग भारत की पहचान है। हमारे किसी भी मनीषी ने कहा तो उनका वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारी है। हमारे किसी संत और महात्मा ने कहा तो उन्होंने हमें यही शिक्षा दी। हमारे बुजुर्गों ने अगर हमको शिक्षा दी तो यही शिक्षा दी, अगर तेरे पास दो रोटियां हैं, कोई भूखा सामने आ जाए तो एक से खुद का काम चलाना, एक उसको जरूर दे देना। ये परोपकार का भाव, ये भारतीय संस्कृति का मूल तत्व, जिसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज दुनिया महसूस कर रही है, एहसास कर रही है, स्वीकार कर रही है। मैं पर्यटन मंत्री हूं, मुझे पता है कि कोरोना में पूरी दुनिया में नुकसान हुआ, भारत में भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये भारत की भूमि है जिसने उसके बाद भी सेवा के अपने काम को बंद नहीं किया। हम पैसे के आधार पर दुनिया के सामने नहीं जाते, व्यापार की तराजू उनसे बड़ी तराजू, हमारे पास परोपकार की तराजू है, और उसके बाद हम कहते हैं कि दुनिया के सामने वो चित्र प्रस्तुत होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, प्रधानमंत्री जी का आवाहन है, उनका आग्रह भी स्वदेशी का है, उनका आवाहन भी स्वदेशी का है, उनका आग्रह भी स्वावलंबन का है, उनका संकल्प भी स्वावलंबन का है। क्या आने वाले नौजवानों के सामने ये लक्ष्य होगा, और इस लक्ष्य को देना हम सबकी जिम्मेदारी है। कल हमने कहा कि हम क्या दे सकते हैं अपने बच्चों को, हम अपना चरित्र दे सकते हैं, हम अपने संस्कार दे सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को उनमें हस्तांतरित करेंगे, यही हमारा सबसे बड़ी सफलता होगी। मुझे लगता है ये यात्रा सिर्फ पारस्परिक यात्रा नहीं है, पसीना बहाने की यात्रा नहीं है, सीखने और सिखाने की यात्रा है, जागने और जगाने की यात्रा है। और इसलिए मुझे लगता है हम गांधी को स्मरण करें, गांधी के विचार को आत्मसात करें, और एक संकल्प लेकर आगे चलें कि वास्तव में हमारा संकल्प क्या होगा, हमारा कर्तव्य क्या होगा। ये वर्तमान की नौजवान पीढ़ी जिसका उत्साह मैं देखते आ रहा हूँ, रास्ते में असलाली में रात्रि विश्राम किया, बच्चे और माताएं बहनें जिस आनंद भाव से अगुवाई करती हैं, मुझे लगता है कि हर पैदल यात्री का अपना अनुभव होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, पहली बार आपसे बात कर रहा हूं, दो दिन से मैं चल रहा हूं, डायरी में जरूर नोट करिए जो मन में आए, ये भी एक इतिहास रहेगा जीवन निर्माता, ध्यान में रखना।